अगर जन्नत कहीं है तो यही है, यही है, यही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा, हम पहुंच चुके हैं टुकपा वैली, जो हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत गांव है। और यहां के जो नज़ारे हैं वो आप देख सकते हैं, पहाड़ों पर बादल किस तरह छाए हुए हैं। फ्रेंड्स, बारिश का मौसम है क्योंकि बारिश सुबह से हो रही है, और हमें चिटकुल जाना था बट बारिश की वजह से हम चिटकुल नहीं जा पा रहे। बारिश में भीग भीग कर हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो हमने सोचा आज रात हम यहीं स्टे करते हैं, सुबह मॉर्निंग में चिटकुल जाएंगे। तो हमने यहीं पर रूम ले लिया है। चलिए मैं आपको रूम दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारा रूम। बालकनी, ये है सामने का नजारा। देखिए फ्रेंड्स, उस वाले पहाड़ पे बर्फ भी पड़ी हुई है सामने, और यहाँ की छतें देखिए, तो सामने हट बनी हुई है। पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है ये छोटा सा गांव। आई थिंक आज कोई फेस्टिवल है पहाड़ों में, इसलिए यहाँ पर जो ये लेडीज हैं ये हिमाचली ड्रेसेस पहन के यहाँ के लोकगीत गाते हुए कहीं जा रही हैं। और पीछे मंदिर भी है जो आप देख रहे हैं घुमाते हुए, ये लोग यहाँ पर इसे घुमाते हैं हाथों से, और इसको घुमा के ये लोग आगे जा रहे हैं यहाँ का लोकगीत गाते हुए। तो फ्रेंड्स, आज तो हम अब खाना वगैरह डिनर वगैरह करके सो जाएंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में आपसे मिलती हूँ जब हम चिटकुल जाएंगे। तो चलिए कल मिलते हैं। फ्रेंड्स, अब है नेक्स्ट मॉर्निंग और हम रेडी हैं चिटकुल विलेज घूमने के लिए, जो कि भारत का आखिरी गाँव है। और फ्रेंड, बैड न्यूज़ ये है कि बारिश रास्ते बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है, बट ऐसे मौसम में भी हम तैयार हैं चिटकुल विलेज घूमने के लिए, क्योंकि हम काफ़ी दूर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं चिटकुल विलेज के लिए, और हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो हमने अपना रेनकोट वगैरह पहन के अच्छी तरह से पैक होके हम निकल पड़े हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए, साथ मिलकर इन्जॉय करते हैं इस जर्नी को। मौसम में भी पहाड़ों में घूमने का अलग ही मज़ा है। सामने जो व्यूज़ आ रहे हैं बादल और पहाड़ों के, वो बहुत ही अमेजिंग है। फ्रेंड्स, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखे हैं इस तरह के व्यूज़, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है बारिश में इस तरह से घूमना, और पहाड़ों पर बादलों को देखना बहुत ही औसम है, बहुत ही प्यारा है, और आप सभी को भी देखना चाहिए यहाँ पर आके, इतना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। और साथ में ठंड भी लग रही है क्योंकि हम काफ़ी हाइट पर हैं और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है साथ में, तो हमें ठंड भी काफ़ी लग रही है, बट हम बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ के व्यूज़ को, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, अब हम पहुँच चुके हैं सांगला वैली, जो किन्नौर की काफ़ी फेमस जगह है। ज़्यादातर जो भी टूरिस्ट या फिर बाइकर्स वगैरह आते हैं वो यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी मार्केट है, होटल्स, और आपको काफ़ी स्टेइंग ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ के एप्पल्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह काफ़ी फेमस है, जो आप अपनी फैमिली के लिए यहाँ से ले जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर घूमने के लिए भी दो तीन पॉइंट हैं। यहाँ पर एक मंदिर है जो काफ़ी फेमस है, तो आप यहाँ पर रुक के यहाँ की ब्यूटी को इन्जॉय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सामने देखिए नज़ारे कितने प्यारे हैं, आप देख सकते हैं पहाड़ों पर जो बादल हैं वो किस कदर नीचे तक आए हुए हैं। बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छा था यहाँ का व्यू, तो बहुत ही प्यारा लगा मुझे। ये देखिए फ्रेंड्स, बादल ही बादल है नीचे। तो अब हम आगे के लिए निकल रहे हैं।
ऊपर फोन आ रहा है वो ऊपर से। क्या नज़ारा है फ्रेंड्स, ज़िंदगी में पहली बार देखा है मैंने। और कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि जन्नत वही है, बट मुझे तो लग रहा है जन्नत यहाँ भी है। ये बसपा रिवर आ रही है, ये प्यारा नज़ारा है। जहाँ दूर दूर तक जहाँ नज़रें जा रही हैं वहाँ तक पहाड़ बादल बादल ऐसे पहाड़ों के बीच में तैर रहे हैं। सच में अनबिलीवेबल लग रहा है सब कुछ। फ्रेंड्स, ये कैमरा उस खूबसूरती को कैप्चर ही नहीं कर पा रहा जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। पहाड़ों के नीचे ये पूरी जो वैली है, पूरा जो ग्रीन आपको एरिया दिख रहा है, वो इतना प्यारा लग रहा है कि बस मैं क्या बताऊँ। लोगों ने यहाँ पर घर बनाए हुए हैं, यहाँ पर टेंट हाउस है जहाँ पे आप रुक सकते हैं, क्योंकि नीचे बसपा रिवर बह रही है। बस मुझे तो वर्ड्स भी नहीं मिल रहे कि मैं क्या बोलूँ। और ये हम यहाँ पर रुक गए कि इस टाइप का ऐसे बना रखा है। और सामने भी देखिए व्यूज फ्रेंड्स, और ये पहाड़, पहाड़ों को काट काट कर रास्ते बनाए गए हैं। और ये देवदार और चीड़ के बड़े बड़े पेड़, इससे पहाड़ों की जो सुंदरता है वो चौगुनी या पाँच गुनी जितना भी हम बढ़ाते जाएँ वो कम होगा। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर जन्नत कहीं है तो यही है, यही है, यही है। प्यारा डोगी है, बारिश में भीगा भीगा प्यारा डोगी है। ये ओरियो तो नहीं है? ओरियो ओरियो नीचे का एरिया जो आप देख रहे हैं वो सारा बसपा रिवर साइड कैंप्स का एरिया है। इधर नीचे से इसका रास्ता जाता है, तो यहाँ पर आप रुक के अपनी छुट्टी को एंजॉय कर सकते हैं और काफी अच्छे स्टेइंग ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, दोपहर के करीब 2:30 बजे हैं और हम सुबह 9 बजे निकले थे और हमें रास्ते में काफी बारिश मिली जिसकी वजह से हम काफी हद तक भीग गए हैं। और हम जितना ऊपर आते जा रहे हैं ठंड भी उतनी बढ़ती जा रही है और लगातार बारिश हो रही है। तो हमारा जो ये डिसीज़न था बारिश के मौसम में चिटकुल जाने का, वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। तो आप भी ध्यान रखिएगा बारिश के मौसम में इस तरह कहीं ना जाएं, क्योंकि बारिश हवा की वजह से काफ़ी ठंड हो जाती है और सारे कपड़े गीले हो गए हैं। इसलिए आज हम चिटकुल नहीं जा रहे, अब हम वापस जाएंगे होटल में क्योंकि हमारा सारा सामान वहीं है। क्योंकि चिटकुल अगर हम गए तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी और हमारे पास कपड़े भी नहीं है कि जो हम चेंज कर सके। इसलिए हमने डिसीजन लिया है कि जब तक मौसम अच्छा नहीं होता हम होटल में रहेंगे और उसके बाद हम चिटकुल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम वापस जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा
जो अगला चिटकुल का सफ़र है वो कैसा रहा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।